at speed to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा स्मार्ट फैमिली में। तो यहाँ देखिए, ये न्यू ड्रेस है और आज क्या है, कौन सा मेरे लिए स्पेशल डे है, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये है मेरी बड़ी गुड़िया का कपड़ा, आज है उनका बर्थडे। तो ये नहा धोवा के और न्यू ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी है। और नया ड्रेस बच्चे पहनते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। फिर ये भगवान सूर्य को जल दी। तो इनका आज स्कूल का छुट्टी था, मैं बोली चले आज बर्थडे भी है और छुट्टी भी है तो बच्चे थोड़े से अच्छे से घर में खुश हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाना होता है ना तो बच्चे स्कूल जाना आना इसे अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए, घर में पूजा करने के बाद हम आ चुके हैं मंदिर में और ये है शिव मंदिर। तो यहाँ जल चढ़ा रही हैं और आज का दिन इनके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन ही ये जन्म ली थी। तो ये पूरा इनका 9 साल कंप्लीट हो चुका है और बच्चे देखते देखते कितना जल्दी बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। फिर मैं बोली कि चलो, अब जैसे बच्चे हैं तो इनको मन नहीं लगता है तो लगाना पड़ता है। मैं बोली चलो मंदिर में पूजा करें, थोड़ी सी दान पात्र में यहाँ दान भी की। उसके बाद खेलना शुरू किया और बहुत मस्ती कर रही हैं। फिर हम आ चुके हैं केक के लिए, क्योंकि ऑर्डर दे के जाना पड़ता है ना। तो मैं पूछी कौन सा है, तो देखो बच्चे का क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही बोलेंगी और अच्छा देखने में होता है वही बोलती है यही मुझे चाहिए, बस खाए तो थोड़ा, लेकिन बड़ा का शौक बहुत रहता है। तो यहाँ था तो हमने क्या किया, इनसे पूछा और उसके बाद ये सुंदर बहुत लग रहा है ना। फिर मैं केक का ऑर्डर दी और घर पे आ चुकी, और मेरे दोनों छोटे बच्चे स्कूल गए थे तो स्कूल से आ चुके हैं। और यहाँ मेरी बहन बेड लगा दे रही है और तीनों अपने में मस्ती कर रहे हैं। फिर हम बच्चे को रेडी किए और बोले, जैसे बर्थडे एक का होता है ना तो बोलते हैं मुझे भी रेडी होना है, मुझे भी न्यू ड्रेस पहनना है। तो सबको रेडी किए और बस छोटा अपने घर में ही छोटा सा पार्टी है, बच्चे की खुशी के लिए ये करना पड़ता है, बस किसी को नहीं बुलाया। इनके एक दोस्त है उनको बुलाए और अपने में खुद कर लिए। तो मेरे यहाँ तीनों बच्चे बैठे हुए हैं और एक मेरे बच्चे की दोस्त है। तो यहाँ देखिए, मैं केक को रख दी और घर में छोटा सा पार्टी बच्चे की खुशी के लिए ज़रूरी होता है। तो हम बैठे हैं और बहन को अपने बुला रहे हैं कि आ जाओ हम मिल के केक काटते हैं। तो ये छोटा सा केक मैं लेके आई। तो आप मेरी वीडियो पे जो भी नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी ब्लॉग वीडियो कुकिंग वीडियो जो भी बनाए आपके चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ देखिए, अब हम कैंडल्स जला चुके हैं और उसके बाद कैंडल्स को बुझाने के बाद हम केक कटिंग करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे ना तब लाइक करना, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। फिर हम बैठ के सब मिलकर केक काटे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
चलिए खाने में हम आज क्या बनाया है, तो सबसे पहले खीर। तो कोई भी काम होता है ना, जैसे खुशी का कोई दिन होता है, अच्छा दिन होता है, तो उस दिन हम खीर तो ज़रूर बनाते हैं। तो ये खीर बना चुकी हूँ और बहुत यमी खीर लगता है। उसके बाद क्या बनाया, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल के खीर को ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल दी, उसके बाद खीर को गैस को बंद कर दी और ठंड, क्योंकि खीर ना ठंडा अच्छा लगता है। तो हम तो बर्थडे होता है ना, तो खीर तो ज़रूर बनाना ही बनाना होता है, कुछ बने या ना बने लेकिन खीर ज़रूर बनेगा। तो चलिए खीर को ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं पनीर की सब्ज़ी। तो कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो डालूंगी, जो आप देखना। तो सब मैं यहाँ पनीर को कट कर लेती हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे मैं बनाऊंगी पनीर को। मैं फ्राई नहीं करूंगी, बस कच्चा पनीर है। इससे क्या होता है ना, पनीर जब हम फ्राई कर देते हैं ना, थोड़े से हार्ड हो जाता है, तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो बच्चे जैसे खाएंगे वैसे ही हम खाना बनाते हैं। तो यहाँ छोटे पीस में मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद यमी सा सब्ज़ी और तीखा नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाएंगे तीखा, तो थोड़े से चटपटा, देखने में तो चटपटा है लेकिन तीखा ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम ग्रेवी के साथ पनीर का सब्ज़ी यमी सा बना लेते हैं, उसको भी रेडी करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पनीर डाल चुके हैं और यहाँ हो चुका है रेडी। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कितना चटपटा है। तो थोड़े से धनिया डाल के ना हम इसे छोड़ देते हैं। उसके साथ क्या बनाया है तो अभी आपको हम बता रहे हैं। तो थोड़े से पहले धनिया डाल दे, उसके बाद ढक के छोड़ देते हैं ठंडे होने के लिए। तो यहाँ देखिए धनिया डालकर और हम चला लिए हैं, बहुत यमी सा सब्ज़ी बन चुका है। उसके बाद हम बना लेते हैं पूड़ी। तो आज का खाना क्या है आपको फाइनल देखने को मिलेगा लास्ट में। तो यहाँ फूली फूली सी पूरी बना ली और सबको, बच्चे बोल रहे मम्मा केक कट गया, आप जल्दी खाना लेके आ जाओ। मैं बोली बस थोड़ी देर और वेट करो, क्योंकि पूरी बनना अब कंप्लीट हो चुका है, पूरे थोड़े एक दो और बचा हुआ है, उसको बना के फिर लेके जाऊंगी, बच्चे को दूंगी खाने के लिए, बड़े बच्चे और बच्चे के जो दोस्त आए हैं उनको भी, जैसे एक दो अगल बगल में भी दे देंगे हम। तो अभी हम फाइनल बता रहे हैं कि हम क्या बनाए हैं। तो पूरी, उसके बाद पूरी के बाद में पनीर की सब्ज़ी, फिर है खीर और जो केक कट हुआ है वो केक है। उसके बाद थोड़ी सी मिठाई है, क्योंकि मिठाई तो खुशी के दिन में तो मिठाई तो रहता ही है। तो आज का मेरा वीडियो ये रहा, आप मेरे वीडियो, तो चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।